दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा मछली पालन के लिए नया तालाब बनाने के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं। तो अभी देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो पूरे देश में लागू है, हर एक ज़िले में। इसलिए जिस किसी किसान भाई को अपने निजी ज़मीन या लीज पर लिए हुए ज़मीन पर नया तालाब बनाना है तो वे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसमें 1 हेक्टेयर के लिए 7 लाख रुपए का इकाई मूल्य यूनिट कॉस्ट है, जिस पर अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए 60% यानी 4,20,000 ये अनुदान है, और अन्य के लिए 40% अर्थात 2,80,000 अनुदान है। तो जो अन्य कैटेगरी में लोग हैं उनको 4,20,000 रुपये अपना लगाना पड़ेगा, और जो अनुसूचित जाति जनजाति या महिला कैटेगरी के हैं उनको अपना 2,80,000 लगाना पड़ेगा। इस प्रकार 7 लाख में तालाब बनेगा। यदि इसको एकड़ में देखा जाए तो आपको 1 एकड़ पर ये करीब 2,80,000 कॉस्ट आता है, जिसमें 40% अनुदान जो है वो हो गया 1,12,000, और 60% जो अनुदान है वो 1,68,000 है। तो जिस जितना बड़ा ज़मीन है उस हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें न केवल निजी ज़मीन बल्कि जो लीज पर है, जो कम से कम 7 साल के रजिस्टर्ड लीज पर है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कागजात चाहिए उसमें मुख्य है आपको भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, जिसको लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, या फिर रजिस्टर्ड लीज का डॉक्यूमेंट जो कम से कम 7 साल का हो, अधिक भी हो सकता है, तो यह बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा एक आपको एस्टीमेट देना पड़ेगा, एक आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप क्यों तालाब बनाना चाहते हैं, और उसमें कौन कौन सी मछली की प्रजातियों का आप पालन करेंगे, और इससे स्थानीय स्तर पर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कितने लोगों को लाभ होगा और कितनी मछली का उत्पादन होगा। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि जो ज़मीन है वो उपयुक्त होना चाहिए तालाब बनाने के लिए। बहुत लोग ऊंचे ज़मीन का के लिए आवेदन कर देते हैं जो कि उचित नहीं है। तो इस प्रकार जो है आप अपने ज़िले में आवेदन कर सकते हैं। तो इसका दर हो गया 7 लाख प्रति हेक्टेयर, कम से कम 1.5 मीटर पानी रहे ऐसी व्यवस्था करनी है। तो यह एक बहुत ही अच्छा स्कीम है। इसके लिए जिन किसान भाइयों को नया तालाब बनवाना है वो इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन और DPR और अपना सारा भी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करना है। वहाँ पर जिला स्तरीय एक उपायुक्त या जो कलेक्टर होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक समिति है जहाँ से यह पारित होगा। पारित होने के बाद ये राज्य के मुख्यालय में जाएगा, वहाँ से पारित होगा, और फिर उसके बाद सब्सिडी ग्रांट हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2025 तक चल रहा है। इसमें कुल अनुदान, कुल राशि जो है योजना की वो 20,50,000 करोड़ की है। तो इसमें पर्याप्त राशि उपलब्ध है, इसका जितना भी हो सके उतना लाभ उठाना चाहिए। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई इस योजना से तालाब बना लेंगे उनको इसमें इनपुट के रूप में, मतलब मछली पालन के लिए भी 4 लाख की योजना है, जिसमें अनुदान का वही स्थिति है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 60% और अन्य के लिए 40%। तो नया तालाब निर्माण का जो डॉक्यूमेंट है, गाइडलाइन है PMMSY का, उसमें न्यू ग्रो आउट पॉन्ड इसको लिखा गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ग्रो आउट पॉन्ड। यह क्रम संख्या 1.4 पर है और 1.5 पर है इनपुट फॉर न्यू पॉन्ड्स। उसमें आप पंगास पालन कर सकते हैं, तिलेपिया पालन कर सकते हैं, या फिर रेहू कतला मृगल इत्यादि का पालन कर सकते हैं। तो नया तालाब निर्माण और मछली पालन दोनों के लिए योजना केंद्र सरकार ने चालू कर दिया है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से होगा और इसका भरपूर लाभ उठाए। कई ज़िलों में यह प्रारंभ हो चुका है और आपको भी यदि करना है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन भाइयों को इसके संबंध में और भी जानकारी लेना हो वे चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिससे कि मैं उनका उत्तर दे सकूं। तो आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, कृपया लाइक कर दें और शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।